दोस्त हैं आपके तो उनको पकड़ो और डायरेक्ट थिएटर जाओ और मंजूमल बॉयज देखो यार। ऐसे ऐसे सीन्स है ना उसमें कि अगर आपकी दोस्ती ब्रेक होने की कगार में भी होगी ना तो भी इस मूवी को देखने के बाद वो ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगी। एक सीन बताता हूँ सुनो, उसके बाद रिव्यू करेंगे। नौ दोस्त है जिसमें से एक खाई में गिर गया है, जहाँ जो भी गिरा है वो वहाँ से कभी वापस नहीं आया है, क्योंकि उस खाई को डेविल्स किचन बोलते हैं, यानी कि जहाँ भूतों का खाना बनता है। अब जब एक दोस्त खाई में गिर गया तो उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है, लेकिन रेस्क्यू टीम भी उस खाई में जाने से मना कर देती है। तो अब दूसरा दोस्त बोलता है कि ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे हैं बचाने के लिए तो मैं जाऊंगा अपने दोस्त को बचाने के लिए, लेकिन उसे जिंदा वापस लाऊंगा। इतने में तीसरा दोस्त बोलता है अबे तू क्यों जाएगा, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो इस चीज में जान की जोखिम है। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा उसे बचाने के लिए। तो वो तीसरा दोस्त बोलता है मैं जाऊंगा ना, तू क्यों चिंता कर रहा है। भाई इस सीन को देखने के बाद लिटरली सिर्फ मैं नहीं, पूरे थिएटर में जितने भी लोग थे ना, उनकी आंखों से आंसू बह रहा था और गूज बम्स आ गए थे। वेल आगे रिव्यू करते हैं। मेरा नाम है हरी, आपको कंटेंट मिलता रहेगा भरी भरी। मलयालम फिल्म मंजूमल बॉयज 22 फरवरी को रिलीज हुई थी, लेकिन मैं देखने नहीं जा पा रहा था। एक पर्सनली थॉट बताऊं मेरा, मेरे को इस फिल्म को देखने के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन भाई जब से देख कर आया हूँ ना तब से मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ। इतना बेहतरीन मूवी था। अगर इस मूवी के लिए एक शब्द कहूँ ना तो ऑस्कर विनिंग मूवी है ये। जैसे थ्री इडियट को 50 बार देखने के बाद भी मन नहीं भरता ना, ठीक वैसी ही है ये मूवी। इस मूवी को अगर आप एक बार देखोगे तो आपका मन बोलेगा एक बार और ऐसा करेगा। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। तमिलनाडु के कोडईकनाल में एक गुना नाम से सुप्रसिद्ध गुफा है। सुप्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि वहां जाना वर्जित है, रिस्ट्रिक्शन है वहां जाने से, क्योंकि वहां जो एक बार भी गया वो आज तक कभी वापस नहीं आ पाया है। असलियत में वहां 13 लोग गए थे जिसमें से आज तक कोई नहीं आ पाया। वहां की सरकार ने उन्हें बचाने के लिए 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और रेस्क्यू टीम को लाया था, फिर भी उनको एक हड्डी भी नहीं मिला उस गुफा से। इसलिए उस गुफा में जाना वर्जित है, वहां कोई नहीं जा सकता। इस फिल्म में 9 दोस्त कोडईकनाल घूमने के लिए जाते हैं और वो एक्साइटमेंट के चक्कर में ये जानते हुए कि इस गुफा में जाना वर्जित है चले जाते हैं, जिसमें से एक दोस्त उस 900 फीट गहरे गुफा में गिर जाता है, जिसके बाद बाकी 8 दोस्तों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। उसके बाद फिल्म में आपको ऐसे ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं इस मूवी को लेकर ज्यादा चीज रिवील नहीं करना चाहता, आपका एक्साइटमेंट खराब नहीं करना चाहता, आप खुद जाकर एक्सपीरियंस कीजिएगा इस रियल घटना को। फिल्म के डायरेक्टर चिदंबरम जी है, उन्होंने क्या डायरेक्शन किया है भाई साहब। फिल्म आपको रत्ती भर भी फिल्म जैसी नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा आपके सामने सच में कुछ घटना घटित हो रहा है। मूवी का कैमरा एंगल, सिनेमेटोग्राफी, सस्पेंस, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्टर्स की परफॉर्मिंग, सब चीज एकदम धासु की है। इस फिल्म के लिए जितना बोलूं उतना कम है, बस एक चीज बोलूंगा यार, जाओ अपने दोस्तों के साथ और मजे लो इस फिल्म की। वीडियो को क्लोज करने से पहले यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।